नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नहीं मिला डेल्टा प्लस का एक भी मरीज। रेलवे में निकाली गई ग्रुप सी पदों पर भर्तियां। बिहार की 12,000 लड़कियों को बिहार सरकार देगी 50,000। बिहार पुलिस और बीएसएपी के सिपाहियों की ट्रेनिंग हुई शुरू। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई की अनिवार्यता हुई खत्म। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने निकाली ग्रुप सी पदों पर भर्तियां। वेस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर 2021 है। वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 21 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। खेल उपलब्धियों के परीक्षण और मूल्यांकन के साथ साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। पदों के लिए 18 से 25 साल की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह सभी पद अनारक्षित है, यानी भर्ती में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। बिहार में नहीं मिला डेल्टा प्लस का एक भी मरीज। बिहार वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पटना एम्स में अब तक 62,000 से अधिक कोरोना मरीज के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है, जहां एक तरफ डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर अन्य राज्यों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं बिहार में एक भी ऐसे मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वैज्ञानिकों का यही कहना था कि देश भर में दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ने का कारण ही डेल्टा वेरियंट था और संभावित तीसरी लहर के लिए भी इसी वेरियंट को जिम्मेदार बताया जा रहा था। लेकिन अब बिहार में किसी भी सैंपल के इस नए और घातक वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी राहत की सांस ले रहा है। बिहार की 12,000 लड़कियों को बिहार सरकार देगी 50,000। शिक्षा विभाग के स्तर से कन्या उत्थान योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसकी मदद से बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की 12,000 स्नातक पास अविवाहित लड़कियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जल्द भेजी जाएगी। इस बाबत उनके आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने इस बाबत आगे बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में चालू वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी 30 करोड़ रुपए की निकासी भी हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर और राशि की निकासी होगी। अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी लोगों को इस बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञानी आनंद शंकर ने बताया कि इन दिनों मॉनसून की ट्रफ लाइन अमृतसर, कुरुक्षेत्र, मेरठ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। इन सभी मौसमी प्रभावों के कारण अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम और भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वर्षापात मुख्य रूप से 11 अगस्त को राज्य के उत्तर एवं मध्य भाग में, वहीं 12 को राज्य के नेपाल से सटे स्थान और 13 को पूर्वी बिहार के जिले में मुख्य रूप से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। साल 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक बार की बात है, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका में बुलावा आया तो उन्होंने यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि यह गंगा है, यहाँ पर काशी है, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना, जिसके कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। झारखंड और यूपी को जोड़ने के लिए जल्द ही बनेगा एक नया पुल। बिहार सरकार ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से सरकार बिहार के अंदर और बिहार के दूसरे राज्यों की दूरी को कम करने की जुगत में जुट गई है। इसी कड़ी में हाल ही में कैबिनेट की तरफ से बिहार झारखंड और यूपी को जोड़ने के लिए रोहतास में नए पुल का निर्माण करने की घोषणा की गई है। जानकारों की माने तो यह पुल रोहतास में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल के रूप में बनाया जाएगा। इस पुल के बन जाने से तीनों राज्यों में आने जाने वाले नागरिकों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना नीति से होगा, जिसकी लागत करीब 210.13 करोड़ आएगी। 500
साल में पूरी होगी स्मार्ट सिटी की योजनाएं। बिहार के कई शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना के साथ ही बिहार सरकार काम कर रही है। इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार स्मार्ट सिटी योजनाओं को 5 साल में पूरा करने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत विभाग ने साफ कहा है कि स्मार्ट सिटी कार्यावधि के 5 साल में पूरा होने के बाद नगर निकायों को अपने स्तर से योजनाएं संचालित करें। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ किया है कि जिन भी योजनाओं का काम पूरा हो चुका है निकाय उसे आमदनी का स्रोत बनाएंगे और नई योजनाओं के लिए बजट भी तैयार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में बिहार के 4 शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी की योजनाएं संचालित हो रही है। बिहार पुलिस और बीएसएपी के सिपाहियों की ट्रेनिंग हुई शुरू। बिहार पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए लगभग 12,000 से अधिक सिपाहियों के प्रशिक्षण का काम बिहार में लगभग 24 केंद्रों पर शुरू हो गया है, जिसमें कुल मिलाकर 5,574 पुरुष और 4,165 महिला सिपाहियों के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में नियुक्त 1,550 महिला और 1,366 पुरुष सिपाहियों को शामिल किया गया है। इस दौरान नए सिपाहियों को कानून के साथ साथ फिटनेस की भी सीख दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन पुलिसकर्मियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग करवाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है जिनकी बहाली हाल ही में अप्रैल महीने में चयन पार्षद की तरफ से हुई थी। हालांकि यह प्रशिक्षण पहले ही आयोजित करवाई जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे अभी शुरू किया गया है। बिहार बोर्ड ने स्कूल को भेजा क्लास 10 की मार्कशीट। बिहार बोर्ड ने समय पर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया था। वहीं अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने क्लास 10 का मार्कशीट स्कूलों को भेज दिया है। इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड ने इसके साथ साथ क्रॉस लिस्ट भी सभी स्कूल को भेज दिया है। हालांकि बोर्ड की माने तो कोरोना के कारण मार्कशीट भेजने में देरी हुई है। दूसरी लहर के समय सब कुछ बंद पड़े रहने के कारण 4 महीने का समय लगा है। वहीं अब इस बाबत बिहार बोर्ड ने कहा है कि 11 अगस्त से सभी स्कूल डीईओ कार्यालय से मार्कशीट ले जा सकते हैं। इसी के साथ मार्कशीट वितरण करने से पहले स्कूल द्वारा उसका वेरिफिकेशन जरूर करा ले। अगर किसी स्टूडेंट का मार्कशीट पर गलत फोटो हो, नाम और लिंग गलत लिखा हो तो उसे तुरंत बोर्ड दफ्तर भेज दिया जाए, वहां से सुधार कर बोर्ड द्वारा भेज दिया जाएगा। पटना में बाढ़ के बढ़ते खतरों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार की राजधानी पटना का बुरा हाल हो चुका है। गंगा नदी का जलस्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ऐसे में पटना में बाढ़ आना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बाढ़ को लेकर ही बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी का जायजा लिया। साथ ही विभाग के सभी अधिकारियों और इंजीनियरों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। बाढ़ की गंभीरता आप इसी से समझ सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे बनी पटना की सुरक्षा दीवार को गंगा पार कर गई है। गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में खबर लिखे जाने तक 17 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ था। वहीं अब नदी खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। राष्ट्रपति के सम्मान से रो पड़े बिहार के ये 2 स्वतंत्रता सेनानी। बीते दिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देश पर बिहार के 2 स्वतंत्रता सेनानी बिहमा पंचायत के देवगांव निवासी 95 वर्षीय कैलाश राजहंस एवं पटभरा गांव के पंचानंद सिंह को अंगवस्त्र देकर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सम्मानित किया गया है, जिसके तहत अनुमंडल प्रशासन उनके आवास पर जाकर अंगवस्त्र और देश का प्रतीक चिन्ह समर्पित करते देखे गए। इस कार्यक्रम में तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार एवं अनुमंडल नजीर श्याम प्रसाद सिंह के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र सिंह राकेश उपस्थित थे। वहीं सम्मान पाकर दोनों स्वतंत्रता सेनानी काफी भावुक भी नजर आए। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार गए छुट्टी पर, उनकी जगह इन्हें मिली जिम्मेदारी। बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार छुट्टी पर जा चुके हैं। पुलिस महकमे में आई जानकारी के अनुसार वो 9 अगस्त से 7 सितंबर 2021 तक 30 दिनों की छुट्टी पर हैं, जिसके बाद अब सवाल ये था कि एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार की छुट्टी पर जाने से उनकी जगह किसको जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि गृह विभाग ने इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया है, जिसके तहत गृह विभाग ने अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जितेंद्र सिंह गंगवार को एडीजी हेडक्वार्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई की अनिवार्यता हुई खत्म। बीसीईसीई ने ताजा अपडेट के तहत बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बीसीईसीई ने साफ कहा है कि इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का एडमिशन जेईई मेन परीक्षा के आधार पर तो होगा ही, लेकिन अगर इसके बावजूद कॉलेज एडमिशन में सीट रिक्त बच जाते हैं तो इस पर ऐसे छात्रों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने जेईई मेन परीक्षा नहीं दी है। हालांकि ऐसे छात्रों को कॉलेज की तरफ से आयोजित करवाई गई परीक्षा का हिस्सा बनना अनिवार्य होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के 38 कॉलेज में करीब 10,000 सीटें हैं। इन कॉलेजों में नामांकन अक्टूबर से नवंबर में होगा।
कांग्रेस नेता को जीवन दान देने सामने आए मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह इन दिनों बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती है। हालांकि आमतौर पर यही उम्मीद की जाती है कि जीवन भर एक नेता के रूप में जिस व्यक्ति ने पार्टी की सेवा की है, मुश्किल समय में वो पार्टी उनके दुख की घड़ी में साथ निभाएगी। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी बड़े चेहरे ने ना तो उनके हालचाल को जाना है और ना ही आर्थिक मदद की पेशकश की है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंधेरी गुफा में दीपक की रोशनी बनकर सामने आए हैं, जिसके तहत उन्होंने आर्थिक मदद तो भेजी ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से पल पल के हेल्थ अपडेट की जानकारी भी ली जा रही है, जिसकी पुष्टि उनके बेटे शुभानंद मुकेश ने की है। बिहार में कोरोना के मिले 50 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 47 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 276 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, ईस्ट चंपारण में 1, दरभंगा में 5, गया में 1, गोपालगंज में 2, खगड़िया में 3, किशनगंज में 1, मधुबनी में 2, नालंदा में 1, नवादा में 2, पटना में 5, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2, सारण में 3, सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 1, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अरवल, अररिया, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,77,488 सैंपल की जांच की गई है। वहीं 51 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। जातिगत जनगणना पर लालू ने की बहिष्कार की राजनीति। इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां सरकार की तरफ से जदयू के साथ साथ विपक्षी दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि मांग के बावजूद सरकार की चुप्पी से उदासीनता छाई हुई है। इसी बीच अब बिहार राजनीति में एक्टिव हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नया दाव खेला है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की जनगणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता है तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का हम क्या अचार डालेंगे। SC ST एक्ट के बढ़ते लंबित मामलों को लेकर गृह विभाग नाराज। SC ST अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रही है, साथ ही लंबित मामलों का निपटान नहीं होने के कारण विभाग पर प्रेशर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए अब गृह विभाग ने ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है, जो कि अभियोजन निदेशालय के अभियोजन निदेशक की अध्यक्षता में विभिन्न जिलों के विशेष लोक अभियोजकों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिया गया है। इस बाबत गृह विभाग ने साफ कहा है कि SC एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इतना ही नहीं, इसको लेकर विभाग ने DM और SP से स्पीडी ट्रायल को लेकर अनुरोध भी किया है। क्रोम यूजर को सरकार ने दी अपडेट करने की चेतावनी। गूगल क्रोम आज के समय में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ब्राउजर है। इस ब्राउजर को विंडोज और एंड्रॉइड पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इन सब के बीच सरकार ने आपके लिए एक अलर्ट जारी किया है। सरकार का कहना है कि हैकर्स आपके गूगल क्रोम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ठग आपकी पर्सनल जानकारी चुरा कर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि हैकर्स आपके गूगल क्रोम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो फटाफट कर ले, वरना आप हैकिंग का शिकार भी हो सकते हैं। ICC के टेस्ट रैंकिंग में कोहली को जो रूट ने किया पीछे। बीते दिन ICC की तरफ से जारी किए गए ताजा टेस्ट रैंकिंग में जो रूट को नॉटिंगम टेस्ट में अच्छी बल्लेबाजी का इनाम मिला है, जिसके तहत उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वो बल्लेबाजों की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। उन्हें 49 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा मिला है। रूट ने नॉटिंगम टेस्ट में 64 और 109 रनों की पारी खेली थी। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी नॉटिंगम टेस्ट में शानदार गेंदबाजी का फायदा मिला है। वो 10 पायदान चढ़कर दोबारा टेस्ट के टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। बुमराह ICC द्वारा जारी गेंदबाजों की लिस्ट में टेस्ट रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बादशाह अकबर के मंत्री अबुल फजल की 1602 में जान चली गई थी। मुगल शासक ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। आमिर खान को उनकी फिल्म तारे जमीन पर के लिए गोलापुरी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड 2008 में प्रदान किया गया था। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष 2009 को नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर अपनी नियुक्ति के उपरांत राज्यसभा की सदस्यता में त्याग पत्र दे दिया। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म 1914 में आज के दिन हुआ था।
कॉलेज के पास ICPR फेलोशिप पाने का मौका। संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च नई दिल्ली ने 4 श्रेणियों में फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.icpr.in के माध्यम से अंतिम तारीख यानी 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फुल टाइम रेगुलर, PhD स्कॉलर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 4 कैटेगरी है। इसके तहत जनरल फेलोशिप पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए दी जाती है। सीनियर फेलोशिप फिलोसफी के जाने माने प्रोफेसर और विद्वानों को ये फेलोशिप दी जाती है। नेशनल फेलोशिप फिलोसफी से जुड़े नेशनल लेवल के स्कॉलर इस फेलोशिप के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि ध्यान रहे, अनुशासनात्मक कार्रवाई या जांच लंबित होने पर किसी भी फेलोशिप के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। अगस्त क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री ने 8 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त क्रांति के मौके पर 11 अगस्त 1942 को आजादी के लिए शहीद हुए 7 शहीदों को मुख्यमंत्री आवास से लोक संवाद में श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 शहीद की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके चलचित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उमाकांत प्रसाद सिंह, रमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह 11 अगस्त के ही दिन आजादी के लिए बलिदान उन्होंने दिया था, जिसमें 2 नाम पुनपुन से भी जुड़ा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। अब बिहार में सड़कों के स्वास्थ्य की भी होगी चिंता। बिहार सरकार अब सड़कों के स्वास्थ्य की भी चिंता करने वाली है, जिसके तहत राज्य की सड़कों और फ्लाईओवर के स्वास्थ्य को लेकर सरकार संजीदगी से काम करने वाली है। यही कारण है कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क के हेल्थ कार्ड बनाने की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में सड़कों और फ्लाईओवरों की देखरेख के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। हेल्थ कार्ड बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इसमें राज्य के छोटे बड़े सभी पुलों को शामिल किया जाएगा। आने वाले साल में बिहार के लिए बहुमूल्य संपत्तियों में से एक होगी, क्योंकि इस हेल्थ कार्ड में पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,440 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,520 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,500 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.51 रुपए प्रति लीटर थे। सुपौल के औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे शाहनवाज हुसैन। बिहार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी जब से शाहनवाज हुसैन ने संभाली है, तब से बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इसी क्रम में बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन एक बार फिर से सुपौल जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुपौल जिले में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए काफी अच्छे प्रस्ताव आए हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोशन कुशवाहा, पंकज कुमार दास, विपिन कुमार, संजय प्रसाद, दिलखुश कुमार, गौतम कुमार, SBMB स्कूल ऑफ लैंग्वेज, रितेश कुमार, निकी कुमारी, मसूद कामत, संतोष हंसदा, सुशील यादव, आतिक खान, राहुल रॉय, रितेश कुमार, राजीव कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।